जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर शर्मा पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को गुणा करना सिखाने वाला हूं। जी हां दोस्तों, यदि आप लोग गुणा नहीं कर पाते हैं और आप लोग गुणा करना सीखना चाहते हैं तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को गुणा के 4 सवालों को करवाऊँगा, जिसमें से तीसरा और चौथा सवाल आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर दोस्तों आप लोग इन सवालों को सीख लेते हैं तो आप लोग गुणा में किसी भी सवाल को हल कर पाएंगे, अगर आप लोगों को इस तरीके के सवाल मिलते हैं तो। ठीक है, सबसे पहले तो हम पहला सवाल सीखेंगे, फिर हम लोग इन सवालों को लास्ट में सीखेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। क्या है, हमें हमारे पास है, इधर से हम लोग गुणा करना स्टार्ट करते हैं और इधर को करते हुए जाते हैं। सबसे पहले ऊपर संख्या कौन कौन सी है, 5 है 3 है 4 है, और हमें गुणा किससे करना है, 2 से करना। जो संख्या यहाँ पर होती है उसी संख्या से हमें इस पूरी संख्या को गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर है सबसे पहले संख्या कौन सी है, 5। तो सबसे पहले हम 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, जो संख्या यहाँ पर होगी इसका पहाड़ा उतनी बार पढ़ देते हैं। तो 2 का पहाड़ा 5 बार चलो पढ़ लेते हैं। तो चलो पढ़ते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10। कितनी बार पढ़ा पढ़ा हमने, 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा, और कितना आ गया हमारे पास, 10 आ गया। 10 तो डबल अंक वाली संख्या है ना, तो हम डबल अंक वाली संख्या यहां पर तो लिख नहीं सकते, वो हम सिर्फ इसके लास्ट में ही लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इकाई अंक वाला मतलब इधर वाली संख्या को हम यहाँ पर लिखेंगे, और जो इधर वाली संख्या बचेगी उसको हम लोग हासिल के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, तो इकाई वाली संख्या कौन सी है, 0, तो हम 0 को यहाँ पर लिखेंगे, और जो 1 ये बचेगा ना ये हमारा हासिल हो जाएगा, और इस संख्या को हम अगली संख्या में हासिल के रूप में जोड़ेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार, क्योंकि अगली संख्या हमारे पास है 3। चलो पढ़ लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6 हो गया, और 1 इसमें से हासिल, तो 6 और 1 7 हो गया, 7 हम लोग यहां पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार, क्योंकि अगली संख्या जो हमारे पास है वो 4 है। चलो पढ़ लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चक्कू 8, 8 आ गया, हासिल तो कुछ है नहीं, तो हम 8 को यहां पर इस तरीके से लिख देते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 870 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने एक सवाल को यहां पर सॉल्व कर लिया है, अब हम लोग दूसरे सवाल की ओर भी बढ़ते हैं। ठीक है, क्या है, सबसे पहले यहाँ पर हमें 3 से गुणा करना है, किसको, 654 को। तो सबसे पहली संख्या कौन सी है, 4 है, तो हम 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे। चलो 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ लेते हैं, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, और 3 चक्कू कितना हो जाएगा, 12, 3 चक्कू 12 हो जाएगा। तो 2 अंक वाली संख्या है, तो हम क्या करेंगे, इकाई अंक इसका मतलब क्या है, 2 2 को हम यहाँ पर लिख देंगे, और 1 जो है ये हमारा हासिल हो जाएगा, इसको हम अगली संख्या में जोड़ेंगे। तो अब क्या करें, अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, क्योंकि अगली संख्या हमारे पास 5 है। चलो पढ़ लेते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चक्कू 12, और 3 5 कितना हो जाएगा, 15, 3 5 कितना, 15 हो जाएगा, 15, और 1 इसमें से हासिल बचा था, तो 15 और 1 16, 16 हम किस तरीके से लिखते हैं, 16 कुछ इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। तो 16 के हम लोग 6 यहाँ पर लिख देंगे, और हासिल कितना बचेगा, 1, ये हम लोग अगली संख्या में जोड़ देंगे। ठीक है, अब हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार, क्योंकि अगली संख्या हमारे पास 6 है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चक्कू 12, 3 5 15, और 3 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा। अब 18 में हम लोग 1 हासिल जोड़ेंगे, तो 18 और 1 कितना हो जाएगा, 19। अब 19 के 19 हम लोग यहाँ पर पूरी की पूरी संख्या को लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, क्योंकि दोस्तों इसके आगे अब कोई संख्या ही नहीं है, तो जिसके आगे कोई संख्या नहीं बचती है तो वहाँ पर हम 2 अंक वाली पूरी की पूरी संख्या को लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 1 और 2 सवालों को यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग 3रे और 4थे सवाल को भी सॉल्व करके आप लोगों के सामने दिखाने वाले हैं, जिससे कि आप लोग अच्छी तरीके से इसको समझ जाएँ और आप लोग कभी भी इस तरीके के सवालों में गलती ना करें। ठीक है, तो चलो हम इसको, इन सवालों को भी हम लोग सीख ही लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, क्या है हमारे पास, यहाँ पर है 6 है 2 है 3 है 5 है, हमें गुणा किन किन संख्याओं से करना है, 5 से करना है और 4 से करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिएगा अभी मैं आपको एक एक चीज़ करके दिखाऊंगा। सबसे पहले आप लोग देखते रहिएगा वीडियो को, तभी आप लोग अच्छी तरीके से इसको समझ पाओगे, वरना आप लोग इसको समझ नहीं पाओगे। ठीक है, आप देखिएगा, सबसे पहले 5 से इस पूरी संख्या को गुणा करेंगे, फिर 4 से इस पूरी संख्या को गुणा करेंगे। चलो हम 5 से कर लेते हैं, तो 5 का पहाड़ा सबसे पहले 6 बार पढ़ लेते हैं। चलो हम लोग पढ़ते हैं 5 का पहाड़ा 6 बार, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चक्कू 20,
5 × 25 और 5 × 6 कितना हो जाएगा, 5 × 6 30 हो जाएगा, 5 × 6 30 हो जाएगा ना। अब 30 का क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लिखेंगे, 3 जो बचेगा वो हमारा हासिल बच जाएगा। तो 30 का 0 हमने यहाँ पर लिख दिया और 3 ये जो बचा वो हमारा हासिल बच जाएगा, ठीक है। अब हम 5 का पाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, तो 5 × 5 5 × 2 = 10, 10 और 3 इसमें से हासिल, तो 10 और 3 13, 13 के हम लोग क्या करेंगे 3 को हम यहाँ पर लिख देंगे, हासिल कितना बचा, हासिल बचा हमारा 1, ठीक है, वो हमें याद रखना है। चाहो तो आप लोग साइड में लिख लो या आप लोगों को याद रखना होगा, ठीक है। अब 5 का पाड़ा पढ़ेंगे 3 बार, तो 5 × 5 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15 हो जाएगा, 15 और 1 इसमें से हासिल बचा था ना, तो 15 और 1 = 16, 16 के हम लोग कितने लिखेंगे यहाँ पर 6 लिखेंगे और हासिल कितना बचेगा हमारा 1 बचेगा, वो हमें याद रखना होगा, ठीक है। अब हम 5 का पाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, तो 5 × 5 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 6 = 20, 5 × 5 = 25, 25 और 16 में से हासिल बचा था, तो 25 और 1 = 26, तो 26 दोस्तों, अब 26 के 26 हम लोग यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे क्योंकि इसके आगे कोई संख्या ही नहीं है। अब क्या करेंगे, अब हम एक संख्या से हमने इस संख्या को गुणा कर लिया, अब हम 4 से इस पूरी संख्या को गुणा करेंगे। लेकिन जब भी दोस्तों हम एक पहली संख्या से गुणा कर लेते हैं, जब हम दूसरी संख्या से गुणा करते हैं तो इसके पहले मतलब एक संख्या है, तो हम लोग यहाँ पर एक संख्या को छोड़ करके इस संख्या से जब गुणा करेंगे तो हम यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे, ना कि यहाँ से, ठीक है। अब देखिएगा, अब 4 का पाड़ा पढ़ेंगे 6 बार, चलो पढ़ लेते हैं। 4 × 1 देखिए, 4 का पाड़ा मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 6 = 16, 4 × 5 = 20 और 4 × 6 = 24। अगर आपको 4 का पहाड़ा नहीं आता, सबसे पहले आप लोग पहाड़ों को अच्छी तरीके से याद कर लें, तभी आप लोग अच्छी तरीके से मैथ के सारे सवालों को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि पहाड़े का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है गुणा भाग सब में, ठीक है। अब देखिएगा, आप 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे हमने 6 बार, देखिए 4 × 6 = 24, 24 के कितने लिखेंगे 4 लिखेंगे, 24 के 4 लिखेंगे क्योंकि 2 अंक वाली संख्या है, तो हम इधर वाली संख्या को हम यहाँ पर लिखेंगे और ये 2 बच्चा है वो हमारा हासिल बच जाएगा। अब 4 का पढ़ा 2 बार, 4 × 4 = 4, 4 × 2 = 8 और 2 इसमें से 10, 10 का 0, हासिल कितना बचा 1 बचा। फिर 4 का पढ़ा 3 बार, तो 4 × 4 = 4, 4 × 2 = 12, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 12 हो जाएगा ना, और 2 1 इसमें से हासिल, 10 में से 1 हासिल बचा था ना, तो 12 और 1 = 13, 13 के कितने लिख देंगे 3 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब 4 का पढ़ा पढ़ेंगे 5 बार, तो 4 × 5 = 20, 4 × 5 कितना हो गया 20 और 1 इसमें से हासिल, तो 20 और 1 = 21, 21 का दोस्तों 21 हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। और अभी भी इसका राइट आंसर नहीं आया, इसका राइट आंसर निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। इन दोनों को क्या करना है, 4 से और 5 से मतलब 5 और 7 से हमने जो गुणा किए थे उनको हमें आपस में जोड़ना पड़ेगा। 0 के नीचे कुछ भी नहीं, 0, 4 × 3 = 7, 6 0 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 × 3 = 9 हो जाएगा, 2 × 1 = 3 हो जाएगा, 2 को हम ऐसे ही उतार लेंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमने ये तीसरे सवाल को भी सॉल्व कर लिया है। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल की ओर और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की ओर। देखिए, हमें 3 से इस पूरी संख्या को गुणा करना है। सबसे पहले हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार, चलो पढ़ लेते हैं 3 का पहाड़ा 4 बार। 3 × 3 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 6 = 12, 12 के कितने लिखेंगे यहाँ पर, 12 के 2 लिखेंगे, हासिल कितना बचा 1 बचा। 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, तो 3 × 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 6 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15 हो जाएगा ना, 15 और इसमें से हासिल कितना बचा था 1, तो 15 और 1 = 16, 16 के हम लोग 6 लिखेंगे, हासिल कितना बचेगा 1 बचेगा। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, 3 × 3, 3 × 2 = 6, 16 में से एक हासिल बचा था ना, तो 6 और 1 = 7, 7 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 9 बार, तो 3 × 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 6 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24, 3 × 9 = 27, 3 × 9 = 27 हो जाएगा, ठीक है, ये 7 है, मान लेते हैं इसको 7 है, ठीक है, 3 × 9 = 27, आप 27 के 27 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि इसके आगे अब कोई संख्या ही नहीं है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने एक अंक से इसको कर लिया है, अब दूसरे अंक से करेंगे, तो इसके पहले एक संख्या है तो हम यहाँ से एक संख्या को छोड़ देंगे, अब यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे। अब 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, तो 6 का पहाड़ा हम लोग 4 बार पढ़ लेते हैं, 6 × 6 = 6, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18 और 6 × 6 = 24, 6 × 6 = 24 के हम लोग 4 लिख देंगे, हासिल कितना बचेगा हमारा 2 बचेगा। अब हम 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, तो 6 × 6 = 24 पढ़ लिया था, 6 × 5 कितना हो जाएगा 30, 30 और 2 = 32, 32 के 2 लिख देंगे, हासिल कितना बचेगा हमारे पास 3 बचेगा, ये हमें याद रखना होगा। फिर 6 का पहाड़ा 2 बार, तो 6 × 6 = 6, 6 × 2 = 12, 12 और 3 इसमें से हासिल, 12 × 3 = 15 के 5 हो गया। अब हमारे पास कितना हासिल बचा, हमारे पास 1 बचा। अब 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 9 बार, तो 6 × 6 = 6, 6 × 3 = 18, 6 × 6 = 24, 6 × 5 = 33, 6 × 6 = 36, 6 × 7 = 42 और 6 × 8 = 48 और 6 × 9 कितना हो जाएगा 54, 6 × 9 = 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा और इसमें से हासिल कितना बचा था 1 बचा था, 54 और 1 = 55, 55 के 55 अब हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। और इसका राइट आंसर निकालने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, अभी मैं आपको बताता हूँ, इनको आपस में हमें जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ लेते हैं, 2 के नीचे कुछ भी नहीं, 2 उतार लिया, 6 × 4 = 10 का 0 हो गया, हासिल बचा 1, 7 × 2 = 9 और 1 = 10, 10 का 0 हासिल बचा 1,
यहाँ पर 7 5 12 और 21 में से हासिल 13 के 3 लिख दिया, 2 और 7 कितना, 5 कितना हो गया, 7 हो गया, और 21 में से हासिल तो 7 और 1 8 हो जाएगा, 5 के नीचे कुछ भी नहीं तो 5 हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमने इन चारों के चारों सवालों को सॉल्व कर लिया। अगर दोस्तों अब आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और चैनल को अभी तक तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोग ऐसे ही एजुकेशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सीख करके आप लोग अपनी मैथ को स्ट्रॉन्ग कर पाएँ। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।